हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआरडी क्लासेस। मैं दीपक कुमार, आज काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं एक पॉलीगन है हमारे पास, उसके एन साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं? एन साइड्स हैं। और इस पर हम लोग कोई पार्टिकल उस पॉलीगन पर ट्रेवल करता है, मान लो टू साइड ट्रेवल किया, थ्री साइड ट्रेवल किया, उस केस में हमसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। हमारे पास यहाँ क्या है, देखो पॉलीगन है, एन साइड है हमारे पास, तो जब एन साइड होगा तो हम लोग, ये इसका सेंटर है, क्या है? सेंटर है ना, ये इसका सेंटर है पॉलीगन का। और इस सेंटर से है ना, एक साइड कितना, वन साइड कितना एंगल बनाता है वो पहले हम लोग निकाल लें। मान लो वो एंगल क्या है, थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2π/n ना, क्योंकि टोटल एंगल तो 2π होगा, ठीक है ना। और कितना साइड बनेगा टोटल में, एन, तो वन साइड के लिए निकालना हो तो 2π/n, यानी ऐसे कर सकते हैं ना, एन साइड के लिए एंगल कितना, 2π, तो यूनिट साइड के लिए 2π/n, तो ये एंगल हमने यूनिट साइड के लिए निकाला है, एक साइड के लिए थीटा इज इक्वल टू 2π/n, ठीक है ना। वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। हम यहाँ समझ रहे हैं ऐसे कि मान लो ये पार्टिकल मूव्स एम साइड्स ऑफ पॉलीगन, ये पार्टिकल जो है मूव करता है पॉलीगन का एम साइड, ठीक है ना, एम की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे कुछ करके एम साइड मूव करता है। उस केस में जो डिस्टेंस होगा वह होगा एम इंटू ए, एम इंटू ए, जैसे अभी हमने बताया ना, साइड 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है ना, तो उसको हमने एक जनरलाइज फॉर्म मान लिया एम साइड। हमें फिक्स नहीं है कौन सा साइड होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, हम उसको एम मान लेते हैं। तो उस केस में डिस्टेंस आएगा एम इंटू ए, ये जो है साइड का लेंथ है, तो एम इंटू ए। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद रखना है, ए साइन एम थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, क्लियर है? चलो जैसे इस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन इफ लेंथ ऑफ साइड ए, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड साइड, है ना। तो देखो मान लो यहाँ से स्टार्ट करता होगा और सेकेंड साइड एंड यहाँ करता है, यहाँ फाइनल एज, ये इसका है ना, ये हमारा इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं। थीटा इजकल टू, यहाँ देखो थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, ये एंगल थीटा है, थीटा इजकल टू आ जाएगा 2π/n, एन की जगह कितना, ये पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, एन, देखो यहाँ एन जो है नंबर ऑफ साइड्स रखना है, तो यहाँ 5, यानी थीटा का वैल्यू आ गया 2π/5, क्लियर। अब यहाँ देखो डिस्टेंस इस फॉर्मूला में रखेंगे, डिस्टेंस इजकल टू होगा एम इंटू ए, एम जो है कितना साइड मूव करता है, सेकेंड, यानी 2a, डिस्टेंस हो जाएगा 2a। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इस फॉर्मूला में रखेंगे a इंटू साइन है ना m थीटा, m की जगह 2 और थीटा की जगह हमने लिखा है 2π/5, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, थीटा मतलब 2π/2, 2π/5/2 नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, है ना, सॉल्व कर लोगे, 2 और 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, ए साइन 2 into 2π/sin 2π/5/2, है ना, तो 2 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ देखो यहाँ जो है, यहाँ हमारे पास m थीटा बाई 2, तो m तो रख लिया थीटा, अब बाई 2, यहाँ 2 रखना पड़ेगा, है ना, बाई 2, तो a 2 से a 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, a 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या आता है, ए साइन जाएगा, ए साइन
ए साइन टू फाइव बाई फाइव ऐसे कुछ आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय साइन है ना फाइव बाई फाइव, ठीक है यही आएगा, चेक कर लो, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ से टू टू कैंसिल, तो ए साइन टू पाई बाई फाइव, और यहाँ टू टू कैंसिल तो साइन पाई बाई फाइव, ठीक है ना साइन पाई बाई फाइव। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो देखो ये हो जाएगा ए तो रहेगा रहेगा, और ये साइन टू थीटा के फॉर्म में आ गया, साइन टू थीटा के फॉर्म में, तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हो जाएगा टू साइन थीटा मतलब पाई बाई फाइव, पाई बाई फाइव इंटू कॉस पाई बाई फाइव, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई फाइव, तो साइन पाई बाई फाइव साइन पाई बाई कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आ जाएगा टू ए, लिख रहे हो टू ए इंटू ए टू ए कॉस पाई अपॉन फाइव, यही आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा टू ए कॉस पाई बाई फाइव, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, ए पार्टिकल कवर 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन हाफ आवर, चलो इसको कैसे करते हैं, यह हम लोग पार्टिकल है और यह पार्टिकल मूव करता है कितना 40 किलोमीटर, कितना भाई 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा कितना आवर में, 1/2 आवर, हाफ आवर 1/2 आवर, चलो ठीक है बहुत अच्छा। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड हाफ आवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड विथ 50 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ हो गया 20 और ये भी हाफ हो गया 20, तो ये जो स्पीड है इसका v1 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर है ना। अगला जो स्पीड है v2 ये हमको कैलकुलेट करना है ना, फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल इन रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो अगर टोटल क्वेश्चन समझो, टोटल 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहां से एक पार्टिकल चला 50 किलोमीटर पर आवर से, यानी टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर से यह कवर करता है, तो अगला क्या स्पीड होना चाहिए, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में क्या स्पीड होना चाहिए जिससे कि हाफ आवर में यह फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाए, मान लो ए है और ए कुछ बी है ना। अब देखो तो सबसे पहले ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस हमको पता है, ए और बी के बीच का टाइम पता है, तो हम ए और बी के बीच एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, तो बी एवरेज जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 40 अपॉन हाफ किलोमीटर में होगा और आवर में, तो कितना आ जाता है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड जो इसका आ गया वो 80 किलोमीटर, ए से बी के बीच का एवरेज स्पीड आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं कि यदि इक्वल डिस्टेंस में कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है टू डिफरेंट स्पीड से तो एवरेज स्पीड क्या होता है, हमने बताया था वी एवरेज जो होगा वो होगा टू v1 v2 अपॉन v1 + v2, याद होगा, ये तब आता है जब दो इक्वल डिस्टेंस हो और डिफरेंट वेलोसिटी, तो देखो इक्वल डिस्टेंस है ना हाफ डिस्टेंस, यहां लिखा रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड विथ 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल इन रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, तो अगला हाफ डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो जब दो इक्वल डिस्टेंस के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी हो तो उसके लिए हमने एवरेज बताया है टू v1 v2 डिवाइड बाई v1 + v2। अब v1 का वैल्यू यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 किलोमीटर पर आवर और v2 हमसे पूछ रहा है, तो देखो कैसे करेंगे, यहां हम लिखेंगे टू v1 का वैल्यू 50, v2 तो हमको निकालना है अपॉन 50 + v2, लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी एवरेज हमने निकाल लिया है, तो वी एवरेज की जगह रखेंगे 80 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 v2 हो जाएगा, 100 v2 है ना, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 50 + v2, या कुछ नहीं 1 मान लो है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा है ना, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 80 v2 और ये हो जाएगा 100 v2 है ना, इसको इधर ले जाओ
तो 4000 आ जाएगा इक्वल टू 100V2 माइनस 80V2, तो कितना आ जाता है 20V2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4000। तो हमारे पास क्या आ जाता है, V2 इज इक्वल टू है ना 4000 अपॉन 20, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो हो जाएगा 200, यानी V2 का वैल्यू जो आ जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 200 किलोमीटर पर आवर। ये हमसे पूछ रहा था कि नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना स्पीड से यह मूव करेगा, तो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस 200 किलोमीटर पर आवर से मूव करे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल कवर हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर्ड विथ स्पीड v2 एंड v3 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो यही फिगर बनाएंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, तो इसको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, तो हम यही फिगर पहले बना लेते हैं फिर हम लोग देखते हैं ना। पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने कोई डिस्टेंस ले लिया है और ये पार्टिकल कवर हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी विथ v1, मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है और अब v1 स्पीड से चल रहा है ना। रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर्ड विथ स्पीड v2 एंड v3, अगर ये हाफ डिस्टेंस, देखो यहाँ ये हाफ डिस्टेंस है ना, अगर मान लो ये टोटल डिस्टेंस x है, ठीक है ना, x है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, x/2 डिस्टेंस, और इधर भी क्या हो जाएगा x/2 डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हाफ मतलब हाफ डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा, तो हाफ डिस्टेंस मतलब टोटल x था, तो हाफ डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, यहां तक तो क्लियर होगा। एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर्ड विथ स्पीड v2 एंड v3, अगला जो हाफ है इसमें इसको दो स्पीड है, एक है v2 और दूसरा है क्या बताओ v3, v2 से भी चल रहा है और v3 से भी चल रहा है। अब v2 से चल रहा है, यहां लिखा हुआ है विथ स्पीड v2 एंड v3 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, यानी क्लियर है कि यहां से यहां तक जो टाइम है t है ना, और यहां भी टाइम क्या लगा होगा t, ठीक है। ये हाफ तो चला v1 से, अगला हाफ में दो स्पीड इसका होता है v2 और v3, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल है, v2 और v3 जो स्पीड है वह इक्वल टाइम इंटरवल में होता है। यदि v2 t टाइम तक चला होगा v2 स्पीड से, तो अगला v3 स्पीड से भी t टाइम तक ही चला होता, क्लियर है। तो पहले ऐसा करते हैं हम लोग कि पहले ये दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। तो दोनों का एवरेज क्या आएगा समझो, ठीक है ना, ये दोनों का एवरेज क्या आएगा इसको समझना। तो ये दोनों का एवरेज निकाल लेते, ये दोनों का एवरेज आप निकालो, ठीक है ना। ये दोनों का एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, हमने बताया है कि जब इक्वल टाइम इंटरवल में दो डिफरेंट स्पीड हो, तब एवरेज हमने बताया था v1 प्लस v2 बाई 2, ध्यान होगा, दो याद रखो, दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, उस केस में एवरेज स्पीड जो हमने बताया था v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ये बताए थे। चलो तो यहां हमने लिखा v2 और v3 है, तो v1 की जगह v2 लेना होगा और v2 की जगह v3 लेना होगा, तो इसका एवरेज जो आ जाएगा हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में इसका जो एवरेज आ जाएगा वी एवरेज क्या आ जाएगा, v2 प्लस v3 बाई 2, ठीक है ना, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब इसका तो अब फिर से फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत सिंपल। अभी हाफ डिस्टेंस जो चला था वह क्या से चला था, v1 से, और अगला हाफ जो चलने वाला है वह v एवरेज से चलेगा, ठीक है ना। ये दोनों हाफ डिस्टेंस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों इक्वल डिस्टेंस है ना। तो पहला इक्वल, ये जो हाफ डिस्टेंस चला v1 से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरा हाफ के लिए हमने v एवरेज निकाल लिया, लेकिन a डिस्टेंस और a डिस्टेंस क्या है बताओ, इक्वल है, ये दोनों इक्वल। तो हमने क्या देखा कि दो इक्वल, हमने बताया पिछले क्लास में कि दो इक्वल लेंथ हो, टू इक्वल लेंथ हो, है ना, और दोनों का स्पीड डिफरेंट हो, दोनों में स्पीड डिफरेंट बट लेंथ जो है इक्वल हो, डिस्टेंस जो है इक्वल, उस केस में एवरेज हमने बताया था
एवरेज स्पीड बताए थे, वी एवरेज इजिकल टू क्या बताए थे, टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू फॉर इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ हो तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, या फिर कहें डिस्टेंस से डिस्टेंस इक्वल है, तो दो इक्वल लेंथ के लिए हमारे पास ये रिलेशन होता है एवरेज का, तो टू वी वन तो रहेगा, अब वी टू की जगह वी एवरेज लिख लेंगे तो वी एवरेज आ जाएगा डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी एवरेज, यही आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू वी वन, अब वी एवरेज यहाँ निकाले हैं वी टू प्लस वी थ्री बाय टू ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बाय टू, यही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा है ना, तो ए टू से ए टू तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा v1 v2 वी टू प्लस वी वन वी थ्री है ना, और डिवाइडेड बाय ये कितना जाएगा 2v1 वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 2 तो ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 है ना v1 v2 वी टू प्लस वी वन वी थ्री, और डिवाइडेड बाय 2v1 वी वन प्लस वी टू और प्लस वी थ्री, यही आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज इस केस में ये आएगा है ना, टू इंटू वी वन वी टू प्लस वी वन वी थ्री डिवाइडेड बाई टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ये रिजल्ट आएगा है ना। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, एक बार आप चेक कर लो, बहुत सिंपल है। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक इक्वल लेंथ चल रहा है, बट यहाँ वी टू और वी थ्री में इक्वल टाइम इंटरवल में चल रहा है, तो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए होता है वी वन प्लस वी टू बाई टू, तो वी वन की जगह वी टू, वी थ्री की जगह वी टू की जगह वी थ्री, देखो वी वन की जगह वी टू दिया हुआ है, वी टू की जगह वी थ्री, तो हमने इसको लिख लिया है देखो एवरेज वी टू प्लस वी थ्री बाई टू, वो दो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए हमको आ गया। अब यहाँ देखो यहाँ वी वन से तो चल रहा था, अब इक्वल लेंथ कवर कर रहा है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है बट स्पीड यहाँ डिफरेंट है, फर्स्ट में स्पीड है वी वन और सेकेंड में हम यहाँ वी एवरेज निकाल चुके हैं। तो दो इक्वल लेंथ के लिए हम फार्मूला जानते हैं एवरेज के लिए, टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू है ना, तो टू वी वन और वी टू की जगह वी एवरेज रख लिया, वी टू की जगह वी एवरेज का वैल्यू यहां से लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाए। चलो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखो, पार्टिकल कवर्स वन बाई थर्ड डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड वी वन, ठीक है ना। यहाँ देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, और क्या होता है देखो यहाँ क्या है, कह रहा है पार्टिकल कवर्स वन बाई थर्ड डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड वी वन। चलो यहाँ हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं भाई, फिगर ड्रॉ कर लिए ठीक है ना, और वन बाई थर्ड है ना, वन बाई थर्ड डिस्टेंस जो कवर करता है वो वी वन स्पीड से कवर करता है, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड वी टू, ठीक है ना, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस जो करता है वो वी टू से करता है, तो फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो करेगा वह किस स्पीड से करेगा, v2 स्पीड से करेगा है ना। तो 1 बाई थर्ड का मतलब मान लो अगर ये डिस्टेंस x है तो हो जाएगा x बाई थ्री, और इधर यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक बताओ क्या होगा बेटा 2x बाई थ्री, यही आ जाएगा 2x बाई थ्री, क्लियर है, ठीक है। टोटल x है तो उसका थर्ड पार्ट v1 से, और रिमेनिंग पार्ट जो डिस्टेंस कवर, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचा, रिमेनिंग डिस्टेंस बचा 2x by 3, क्या बचा 2x by 3, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बताओ x है, ठीक है, और x by 3 v1 स्पीड से चला तो इधर कितना बच जाएगा, x by 3 मूव कर गया तो इधर बचेगा x में से x by 3 घटाओगे तो 2x by 3 आ जाएगा। तो 2x by 3 डिस्टेंस जो कवर करता है वो किस स्पीड से कवर करता है, v2 स्पीड से, ठीक है ना। अब हमको पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड इसका बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, अपॉन टोटल टाइम, यही हो जाएगा, ये ध्यान रखना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक अपन एक्स माने, एक्स रख लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं, तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने एक रिलेशन बताया था, वो ध्यान होगा सबको, हमने बताया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा, ये ध्यान रखना है ठीक है ना, स्पीड आई इंटू टाइम, यही होगा। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा
डिस्टेंस ये ध्यान रखना है अपॉन स्पीड, इसको पिछले क्लास में बताया हुआ, तो टाइम के लिए ध्यान रखना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां तक का टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस है एक्स बाई थ्री और डिवाइड बाई स्पीड है वी वी वन, और प्लस यहां भी वही करेंगे, यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है टू एक्स अपॉन थ्री और डिवाइड बाई स्पीड है वी टू, है ना, ये कर लेंगे अपन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ये हो जाएगा एक्स बाई थ्री वी वन और प्लस टू एक्स बाई थ्री वी टू, यही आ जाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें थोड़ा, तो एक्स आ जाएगा यहाँ, क्या लिखते हैं, तो आ जाएगा एक्स तो रहेगा रहेगा, एक्स कॉमन ले लो तो आ जाएगा वन अपॉन थ्री वी वन और प्लस वन अपॉन टू अपॉन थ्री वी टू, यही आ जाएगा, एक्स और एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, हो जाएगा वन अपॉन और इसका थ्री वी वन वी टू एलसीएम हो जाएगा, देख रहे हो ना, थ्री वी वन वी टू एलसीएम हो जाएगा, तो थ्री वी वन कैंसिल हो जाएगा वी टू और प्लस थ्री वी टू कैंसिल तो हो जाएगा टू वी वन, है ना, टू वी वन ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ए टर्म तो ऊपर ही चला जाएगा, तो वी एवरेज जो आ जाएगा हो जाएगा थ्री वी वन वी टू और डिवाइडेड बाय वी टू प्लस टू वी वन, यही आ जाएगा एवरेज, ठीक है ना, यही एवरेज आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेना, टोटल टाइम हमने निकाल लिया, टाइम के लिए हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप्लाई कर लिया एक्स बाई थ्री अपॉन वी वन, इसके लिए टाइम निकालेंगे टू एक्स अपॉन थ्री डिवाइड बाई वी टू और इसमें एक्स कॉमन ले कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, अगर कहीं डाउट है तो एक बार वीडियो को अगेन देखो, पूरी समझ में आ जाए। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पार्टिकल मूव्स हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड वी वन एंड रिमेनिंग हाफ टाइम कवर्ड विथ स्पीड वी टू एंड वी थ्री फॉर इक्वल डिस्टेंस, फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, देखो कह रहा है सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं अपन, है ना, कह रहा है पार्टिकल मूव्स हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी, टोटल टाइम यदि टी लगता है तो जर्नी का हाफ टाइम, ठीक है ना, हाफ टाइम में क्या स्पीड रहता है इसका बताओ, वी वन, बहुत अच्छा। अगर ये टी बाई टू है, टाइम जो लगा है यहाँ टी बाई टू, हाफ टाइम लग रहा है ना टी बाई टू, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड रिमेनिंग हाफ टाइम कवर्ड विद स्पीड, अगला जो टी बाई टू है ना, अगला जो टी बाई टू है इसमें इसका दो स्पीड आता है, पहला स्पीड आता है वी टू, है ना, और दूसरा स्पीड आता है वी थ्री, है ना, वी टू और वी थ्री दो स्पीड आते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। हाफ टाइम में वी वन स्पीड है, अगला हाफ टाइम में वी टू और वी थ्री दो स्पीड है फॉर इक्वल डिस्टेंस, लेकिन ये वी टू वी थ्री जो होता है ना, यह डिस्टेंस दोनों का क्या है, इक्वल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है ना। मान लो ये डिस्टेंस यदि एक्स है ना भाई, तो ये भी डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ये इक्वल डिस्टेंस में कवर कर। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं ना, तो ये दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, वी एवरेज इजिकल टू, हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं कि यदि दो इक्वल डिस्टेंसेज हैं, दो इक्वल डिस्टेंस कवर करें पार्टिकल और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो, ठीक है ना, दो इक्वल डिस्टेंस कवर करें विथ डिफरेंट स्पीड, तो उस केस में एवरेज हमने क्या बताया था, एवरेज बताए थे टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। तो देखो यहाँ तो टू और वी वन की जगह वी टू है तो वी टू हो जाएगा, वी टू की जगह वी थ्री है तो वी थ्री हो जाएगा और डिवाइडेड बाई वी टू प्लस वी थ्री, तो ये एवरेज आ जाएगा हमारे पास टू वी टू वी थ्री अपॉन वी टू प्लस वी थ्री, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब एवरेज हमको पता हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा फिगर को रीड्रॉ कर लेंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ तो वी वन स्पीड से चल रहा था भाई ये हाफ टाइम के लिए, ठीक है ना, और अब जो है ये दोनों मिलाकर वी एवरेज से चलेगा, ठीक है ना, लेकिन हाफ टाइम इक्वल टाइम में चलेगा, ठीक है ना, इक्वल टाइम में चलेगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेना होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, ये जो है हाफ टाइम यहाँ से यहाँ तक चलता है टी बाई टू, है ना, और वी एवरेज से। तो हमने बताया था पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि जब दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो, हमने बताया था टू इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो पार्टिकल का, उस केस में एवरेज हमने बताया था वी वन प्लस वी टू बाई टू,
तो यहाँ ही करना है, यहाँ वी एवरेज जब लिखेंगे ठीक है ना, तो हम लिखेंगे वी वन प्लस वी एवरेज बाई टू, ये लिखेंगे ठीक है ना। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए वी वन प्लस वी टू बाई टू होता है, वी वन की जगह वी वन और वी टू की जगह वी एवरेज लेंगे, ये आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा। इसको हम लोग यदि सॉल्व करें तो यहाँ वी एवरेज का वैल्यू रख लो, तो वी वन प्लस वी एवरेज क्या निकाले हैं, टू वी टू वी थ्री अपॉन वी टू प्लस वी थ्री, नहीं इसको फिर से लिखना होगा ठीक है ना, ठीक है यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं। हमारे पास जो आएगा क्या आएगा समझो, ठीक है ना, वी एवरेज इक्वल टू हमने रखना होगा वी वन प्लस वी एवरेज, वी एवरेज का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं टू वी टू वी थ्री अपॉन वी टू प्लस वी थ्री बाई टू, ऐसे कर दिया है ना, वी एवरेज की जगह रख दिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लोगे हमें उम्मीद है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा वी वन वी टू है ना प्लस वी वन वी थ्री, ये आ जाएगा प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा टू वी थ्री अपॉन, और ये आ जाएगा टू तो रहेगा रहेगा, ये नीचे आ जाएगा वी टू प्लस वी थ्री, ठीक है यही आया। इसको सॉल्व करने के बाद यही रिजल्ट आएगा वी वन वी टू प्लस वी वन वी थ्री और प्लस टू वी थ्री और डिवाइड बाई टू वी वन प्लस वी थ्री है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका एवरेज निकाल लिए कि एवरेज क्या आएगा है ना, एवरेज क्या आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ, कह रहा है पार्टिकल मूव्स वन थर्ड टाइम ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड वी वन। चलो यहाँ फिगर हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे और ये बहुत सिंपल है, चलो यहाँ फिगर ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये जो है पार्टिकल है वन थर्ड टाइम, यानी टाइम का टी बाई थ्री रख लेना, टोटल टाइम टी लिए हैं तो वन थर्ड क्या हो जाएगा टी बाई थ्री, टी बाई थ्री टाइम में यह मूव कर रहा है कितना स्पीड से बताओ, वी वन स्पीड से, टी बाई थ्री टाइम में वी वन स्पीड से मूव कर रहा, तो हमने रख लिया वी वन ठीक है बहुत बढ़िया। अब एंड रिमेन टाइम विथ स्पीड वी टू, अगला जो रिमेनिंग टाइम है उसमें स्पीड क्या है इसका वी टू है, तो अगला स्पीड इसका रिमेनिंग स्पीड रिमेनिंग टाइम में स्पीड वी टू है ना, तो करा एवरेज स्पीड बताओ पार्टिकल का क्या हो, तो रिमेनिंग टाइम बचेगा कितना भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर ये टी बाई थ्री है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा टी माइनस टी बाई थ्री, यानी टू टी बाई थ्री यही बच जाएगा, बोलो टू टी बाई थ्री टाइम, टू टी बाई थ्री टाइम में स्पीड इसका वी टू रहता है। इस केस में हमको एवरेज निकालना है, तो वी एवरेज बहुत सिंपल है निकाल लेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस है ना अपॉन टोटल टाइम, यही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो यहाँ टाइम तो हमें पता है, टाइम टी बाई थ्री प्लस टू टी बाई थ्री ऐड करोगे तो टी आ जाएगा, टोटल टाइम हमने टी लिया हुआ, टोटल टाइम टी रख लिया बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ डिस्टेंस नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ तक वी वन स्पीड से गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने फार्मूला बताया है डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है वी वन और टाइम जो हो जाएगा टी बाई थ्री प्लस, इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, स्पीड है वी टू तो टाइम हो जाएगा टू टी बाई थ्री, नहीं हो जाएगा बोलो, या फिर ऐसे समझ लेते हैं, अगर ये डायरेक्ट समझ में दिक्कत आ रही है तो ये समझ लेते हैं, मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है L1 और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है L2 है ना, तो अगर हम देखें समझना, अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाता है, टोटल डिस्टेंस आ जाता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय टाइम t। अब L1 का वैल्यू हमको निकालना है, L1 का वैल्यू हम निकालेंगे क्या, टाइम इंटू स्पीड से, L1 क्या डिस्टेंस है और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है यहाँ वी वन और टाइम क्या है टी बाई थ्री प्लस, यहाँ स्पीड क्या है वी टू और टाइम क्या है टू टी बाई थ्री और डिवाइडेड बाय टाइम टी है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो भाई देखो यहाँ हो जाएगा वी वन बाई थ्री, टी कॉमन ले लो तो बचेगा वी वन बाई थ्री प्लस टू वी वन बाई थ्री है ना डिवाइडेड बाई टी, तो टी टी तो कैंसिल ही हो जाएगा ठीक है, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो यही रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व कर लो
तो कितना आ जाएगा v1 प्लस टू वी वन बाई थ्री, यही आ जाएगा v1 प्लस टू वी वन बाई थ्री, यही एवरेज का वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्व करो, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अगर हमको वो सारे फार्मूले ध्यान है जो हमने बताया था, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए बोलो, इक्वल लेंथ के लिए, ये सारे ध्यान है जिस स्टूडेंट को पूरा समझ में आ रहा होगा। ध्यान नहीं तो पहले उस फार्मूला को देख लो, ठीक है ना, सामने लिख के रख लो और फिर इन चीजों क्वेश्चन को देखो, पूरा समझ में आ जाए। बाय द वे नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, और ये है कि हमारे पास कह रहा है कि पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी, है ना। पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड वी नॉट। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है ना। हाफ डिस्टेंस जो है, हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड वी नॉट, तो हाफ डिस्टेंस का मतलब कहीं बिल्कुल हाफ होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इसका स्पीड क्या है भाई, वी नॉट, ठीक है। एंड वन बाई थर्ड पार्ट ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, अगर हाफ की बात करें तो x बाई टू लिख लें यहाँ, x बाई टू डिस्टेंस, नहीं अच्छा चलो, तो इधर कितना बच गया होगा, इधर बचा होगा x बाई टू, देख रहे हो ना, ये जो है हाफ डिस्टेंस कवर किया, हाफ का मतलब यदि टोटल डिस्टेंस हम x लिए हैं तो x का हाफ कितना हो जाएगा, x बाई टू, तो x बाई टू डिस्टेंस कवर किया वी नॉट से, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है वन बाई थर्ड पार्ट ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, वन बाई थर्ड पार्ट रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब x बाई टू हमारे पास बचा, इसका वन बाई थर्ड पार्ट x बाई सिक्स हो जाएगा, तो इसका वन बाई थर्ड पार्ट मतलब x बाई सिक्स जो डिस्टेंस है वह कितना स्पीड से कवर करता है, टू वी नॉट, कितना से बताओ, यह जो है टू वी नॉट स्पीड से कवर करता है ना, टू वी नॉट स्पीड से, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट जो हमारा है और वो है एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड थ्री वी नॉट, तो अब रिमेनिंग कितना बचा, तो यहां से यहां तक कितना था, ये तो x बाई टू हो गया, और यहां से यहां तक कितना था, x बाई टू ये था ना, ये तो इक्वल डिस्टेंस था, ये x बाई टू, x बाई टू, ये तो x बाई सिक्स हो गया, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा ना, x बाई सिक्स, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, x बाई टू माइनस x बाई सिक्स कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, सिक्स, है ना, और हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा बताओ बताओ, तो टू एक्स बाई सिक्स यानी कितना आ जाएगा, x बाई थ्री आ जाएगा, तो x बाई थ्री यानी ये जो डिस्टेंस है यह हो जाएगा x बाई थ्री, लिख ले x बाई थ्री, x बाई थ्री डिस्टेंस कवर करता है कितना स्पीड से, टू वी नॉट स्पीड से, है ना, टू वी नॉट स्पीड से। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया, देखो हाफ डिस्टेंस वी नॉट स्पीड से, बचे हुए हाफ का वन बाई थर्ड, बचे हुए हाफ का वन बाई थर्ड यानी x बाई सिक्स डिस्टेंस टू वी नॉट स्पीड से, और इसके बाद अब जो भी बच गया है ना, तो x बाई टू में से x बाई सिक्स हमने घटाया, टू और सिक्स कैल्शियम सिक्स हो गया, ये हो जाएगा थ्री एक्स और सिक्स माइनस एक्स, तो थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स कैंसिल हो गया x बाई थ्री, यानी ये जो डिस्टेंस बच गया x बाई थ्री, या x बाई थ्री डिस्टेंस कवर करता है टू वी नॉट स्पीड से, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एवरेज निकालें इसका, एवरेज तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो भाई x माने, x टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक टाइम अपन t1 मान लें, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2 मान लें, और यहाँ से यहाँ तक टाइम t3 मान, ऐसे कुछ मान, है ना। तो t1 t2 t3 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में t1 t2 t3 नहीं दिया हुआ है ना। तो अभी हमने फार्मूला बताया है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम यू टी, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन यू मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नहीं टाइम आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 के लिए निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वी एवरेज इजकल टू एक्स अपॉन, और टी वन का वैल्यू निकालेंगे, देखो भाई टी वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ लिखे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है एक्स बाई टू, तो भाई हो जाएगा एक्स बाई टू अपॉन स्पीड है वी नॉट प्लस, चलो टी टू के लिए हम लोग बात करेंगे, तो डिस्टेंस है एक्स बाई सिक्स, तो एक्स बाई सिक्स अपॉन स्पीड है टू वी नॉट, बहुत बढ़िया, और प्लस अगला डिस्टेंस हमारा एक्स बाई थ्री है ना, और डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है टू वी नॉट, ठीक है। तो हमने टी वन टी टू टी थ्री निकाल लिया और इसको पुट कर दिए, तो ये रिजल्ट आया। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स, टू तो नीचे आ जाएगा टू वी नॉट प्लस एक्स अपॉन सिक्स, नीचे आ जाएगा ट्वेल्व वी नॉट प्लस
एक्स अपॉन थ्री नीचे आ जाएगा सिक्स वी नॉट, है ना, ये आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, एक्स तो यहाँ रहेगा रहेगा, एक्स कॉमन ले लें तो वन अपॉन टू वी नॉट, वन अपॉन ट्वेल्व वी नॉट, वन अपॉन सिक्स वी नॉट, है ना, ये एक्स और एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, समझो ये जो है सिक्स ट्वेल्व और सिक्स ट्वेल्व और टू का एलसीएम ले लेते हैं ना, तो सिक्स क्या देखो टू सिक्स और ट्वेल्व का एलसीएम ले लो तो कितना आता है बताओ, थ्री सिक्स, बोलो थ्री वन वन टू, है ना, तो थ्री इंटू टू सिक्स इंटू टू ट्वेल्व आ जाएगा, है ना, तो ट्वेल्व आ जाएगा। तो इसको हम लोग इसको हटाते हैं, ट्वेल्व रखेंगे, ठीक है ना, क्या आ जाएगा ट्वेल्व हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ट्वेल्व वन अपॉन और ये तो हो जाएगा ट्वेल्व, ठीक है। अब ये टू वी नॉट से तो ट्वेल्व वी नॉट आएगा, तो आ जाएगा टू वी नॉट से कैंसिल होगा तो जाएगा सिक्स प्लस वन प्लस टू, तो कितना आता है वन अपॉन सिक्स सेवन नाइन, नाइन अपॉन ट्वेल्व वी नॉट, तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व वी नॉट अपॉन नाइन, है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, फोर वी नॉट अपॉन, है ना, फोर वी नॉट, है ना, क्या आ जाएगा बताओ, ये जो आ जाएगा थ्री, देख लेते हैं सही है क्या है ना। यहाँ जो हमारे पास आया एक्स बाई टू वी नॉट स्पीड से, है ना, एंड वन बाई थर्ड पार्ट ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड विथ स्पीड टू वी नॉट, चलो ठीक है टू वी नॉट, है ना, और इसके बाद जो है, इसके बाद जो है ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस विथ थ्री वी नॉट, तो ये जो हमारे पास आया थ्री वी नॉट से कर रहा है, ओह यहाँ टू वी नॉट हमने लिख दिया है, यहाँ एक्चुअली थ्री वी नॉट होगा, यही हमारा थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, तो हम इसको सुधार लेंगे थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा थ्री वी नॉट, है ना, तो थ्री वी नॉट, तो जहाँ जहाँ टू वी नॉट हमने लिख दिया है भाई उसको थ्री वी नॉट करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमने क्या करना होगा, ये नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करता है कितना, तो ऐसा करेंगे ना कि ये दोनों का एवरेज निकाल के इसके साथ टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू पर भी रख सकते हैं ना। तो पहले इसको फिर से करना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ हमने थ्री वी नॉट की जगह टू वी नॉट ले लिया था जबकि यहाँ थ्री वी नॉट है ना। तो हम इसको फिर से एक बार कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, देखो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में चेक करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक है चलो। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल है, यहाँ हम ऐसा करते हैं ना कि ये तो हमें पता है ना, ये दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, ये दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो इसके साथ एवरेज, पहले दोनों का एवरेज निकाल लें, मान लेते हैं यहाँ टाइम लगा होगा टी वन और यहाँ टाइम लगा होगा टी टू, ऐसा समझ लो, है ना। तो इसके लिए हम लोग एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास इसके लिए पहले एवरेज निकालना होगा, बहुत ही सिंपल है, इसके लिए एवरेज निकाल लो भाई, ठीक है, इसके लिए वी एवरेज हम निकालेंगे, यही लिख लेते हैं वी एवरेज निकालेंगे, तो वी एवरेज जो आ जाएगा वह हो जाएगा डिस्टेंस कितना भाई, एक्स बाई टू यहाँ से यहाँ तक एक्स बाई डिवाइड बाई टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है हमारा कितना एक्स बाई सिक्स अपॉन स्पीड कितना है टू वी नॉट, प्लस यहाँ डिस्टेंस कितना है बताओ एक्स बाई थ्री, स्पीड कितना है थ्री वी नॉट, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या आता है देखो, यहाँ हम सॉल्व ही कर लेते हैं, यहाँ जो आ जाएगा एक्स बाई टू तो रहेगा रहेगा, चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बाई ट्वेल्व वी नॉट, एक्स अपॉन ट्वेल्व वी नॉट, प्लस ये हो जाएगा एक्स अपॉन नाइन वी नॉट, एक्स अपॉन नाइन वी नॉट, बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्स बाई टू तो रहेगा रहेगा, टू को नीचे कर लें और ये हो जाएगा एक्स अपॉन ट्वेल्व वी नॉट प्लस एक्स अपॉन नाइन वी नॉट, है ना। तो देखो भाई यहाँ से एक्स तो रहेगा रहेगा, टू एक्स कॉमन ले लो अपॉन वन अपॉन ट्वेल्व वी नॉट वन अपॉन नाइन वी नॉट, है ना। तो ये जो हमारे पास एक्स और एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा और इसका ट्वेल्व और नाइन का हम लोग ले एलसीएम, है ना, तो फोर हो जाएगा थ्री हो जाएगा, है ना, तो थर्टी सिक्स आ जाएगा, इसको हटाते हैं हम लोग, यह आ जाएगा थर्टी सिक्स इसका एलसीएम, हम लोग यहाँ रखेंगे, है ना, वन अपॉन टू इंटू थर्टी सिक्स वी नॉट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस नाइन नहीं फोर, थ्री प्लस फोर,
ना, ये आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया इसको 36 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा 18 टाइम्स, तो 18 वी नॉट ऊपर चला जाएगा, तो 18 वी नॉट अपॉन क्या जाएगा 7, ये आ गया वी एवरेज आ गया हमको, है ना, वी एवरेज पता होगा, तो वी एवरेज आ गया 18 वी नॉट अपॉन 7। तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज हमने निकाल लिया, ठीक है ना। और यहाँ देखो ये, अब अगर हम इसको फिगर में ड्रॉ करें तो बहुत सिंपल हो जाता है। देखो यहाँ एक्स बाई टू डिस्टेंस कवर करता है, एक्स बाई टू डिस्टेंस कवर करता है वी नॉट स्पीड से, है ना, और अगला जो है कवर करता है वह वी एवरेज से, हमने यहाँ निकाल ली वी एवरेज से कवर करेगा, और ये भी एक्स बाई टू ही है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वल डिस्टेंस के लिए हमको वी एवरेज पता है ना, क्या होता है 2v1v2 upon v1 plus v2, तो भाई 2 और v1 का वैल्यू है वी नॉट, अब v2 का वैल्यू वी एवरेज रख लेते हैं अपॉन v1 मतलब वी नॉट प्लस वी एवरेज मतलब वी एवरेज, v2 मतलब वी एवरेज, यहाँ रख लेंगे वैल्यू, वैल्यू क्या आ जाएगा सॉल्व कर लो 2v0, अब वी एवरेज निकालें 18 वी नॉट अपॉन 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ठीक है ना, अब वी नॉट प्लस 18 वी नॉट अपॉन 7 है ना। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, क्या जाएगा 36 वी नॉट स्क्वायर, है ना, 36 वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 और प्लस 18, नहीं कितना आ जाएगा 7 plus 10 25 वी नॉट अपॉन 7, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, वी नॉट से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 36 वी नॉट अपॉन 25, यही आ जाएगा 36 वी नॉट अपॉन 25, तो यही रिजल्ट आया है ना। थोड़ा कैलकुलेशन में एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, सही है एकदम बिल्कुल भी। यहाँ देखो यहाँ कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है वी नॉट स्पीड से, अगला हाफ का 1/3 यानी x बाई सिक्स 2v0 से, यही हम लोग मिस्टेक किए थे कि नेक्स्ट x बाई थ्री 3v0 से कर रहा था, तो हमने 2v0 ले लिया था, नहीं गलती हो गया था, तो यहाँ 3v0 हमने कर लिया। अब हम लोग यहाँ 2v0 और 3v0 यहाँ ये दोनों वेलोसिटी का सॉरी ये दोनों स्पीड का हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो इस दोनों का एवरेज निकालने के लिए हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का x बाई टू, x बाई टू रख लिया, टोटल टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ t1 यहाँ t2 है, तो t1 के जगह पर हम लोग t1 तो दिया नहीं है t2 दिया नहीं है, तो t1 के पोजीशन पर क्या रख लेंगे, t1 के पोजीशन पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है हमारा x by 6 और स्पीड है 2v0 प्लस यहाँ डिस्टेंस है x by 3 स्पीड है 3v0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आता है 18v0 अपॉन 7, क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यह इक्वल डिस्टेंस है, x by 2 इधर भी है, x by 2 इधर भी, इक्वल डिस्टेंस में टू डिफरेंट इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल डिस्टेंस में टू डिफरेंट वेलोसिटी है, तो पहला वेलोसिटी वी नॉट, दूसरा वेलोसिटी वी एवरेज जो हम निकाल चुके हैं। तो हम बताए हैं कि टू इक्वल डिस्टेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से यदि पार्टिकल मूव करे तो उसका एवरेज हमने बताया, क्या बताए थे 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, तो 2 और v1 का वैल्यू, v1 का वैल्यू यहां वी नॉट और वी एवरेज यहां रहेगा रहेगा v2 की जगह पर, उसी तरह यहाँ और वी एवरेज का वैल्यू यहाँ से रख के सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारा और ये फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड 5 km/h एंड कम बैक विथ स्पीड ऑफ 7.5 km/h, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2.5 km, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, लेकिन इसमें टाइम दिया है 0 to 30 मिनट के बीच बताओ और 0 to 50 मिनट के बीच बताओ और 0 to 40 मिनट के बीच बताओ, ये है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। पहला है कि हम लोग ए से बी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ए टू बी ना, क्या देखो बहुत ही सिंपल है, ए टू बी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, ए टू बी बहुत अच्छा। और ए टू बी जब जाता है पार्टिकल यहाँ से, वह जाता है 5 km/h से और टोटल डिस्टेंस है भाई 2.5 km, है ना। तो हमें क्या टाइम पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो लगा टी का वैल्यू, टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 upon 5 यानी 1/2 आवर, नहीं 1/2 आवर मतलब 30 मिनट,
30 मिनट में पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है ना, ए से बी तक, ठीक है ना। तो ये जो है, नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगला जो टाइम है, अगला जो है, चलो पहले इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट में कह रहा है 0 to 30 मिनट के बीच हमको एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना। तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगा, ठीक है, एवरेज स्पीड जो आ जाएगा भाई, वह क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 2.5, है ना, और टोटल टाइम कितना लगा बताओ, 1/2, है ना, टाइम लगा 1/2 आवर, हम किलोमीटर में ही ले रहे हैं, 2.5 किलोमीटर गया, कितना टाइम में गया, 1/2 टाइम, इसका एवरेज स्पीड तो ही आ जाएगा जो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। चलो अब हमको पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, अब बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी भी यही होगा क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, स्टेट है तो एवरेज, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर सेम आ जाए, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, इसको देखो, नहीं कर रहा है कि मूव विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विथ स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब 0 to 50 मिनट की बात हो रही है ना, 0 to 50 मिनट, तो जो कम बैक आ रहा है, समझना, कम बैक जो आ रहा है मतलब फिर से रिटर्न आ रहा, ठीक है ना, फिर से ये पहले ए टू बी गया था, अभी क्या है, बी टू ए आ रहा है, और बी टू ए जब आएगा तो इसका स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस तो सेम है 2.5 किलोमीटर, है ना। चलो बहुत अच्छा, तो अगर हम इसका टाइम निकालें तो टाइम बी से ए तक आने में कितना लगेगा, तो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस 2.5 अपॉन स्पीड 7.5, ये कितना आ जाता है, 1/3 यही आ जाएगा, ठीक है ना, 1/3, है ना, 1/3 आवर यहाँ आ गया, 1/3 आवर आ जाएगा, ठीक है। 1/3 आवर का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, 1/3 आवर का मतलब हुआ, यदि मिनट में हम कन्वर्ट करें तो 60/3 यानी 20 मिनट, है ना, तो 20 मिनट में ये बी टू ए आ जाएगा। ध्यान रखना कि जो है ए टू बी, समझ लो, ए टू बी जाने में कितना लगा, 30 मिनट, और फिर जो है बी टू ए आने में कितना लगा, 20 मिनट, क्योंकि देख रहे हो इसका स्पीड ज़्यादा है तो टाइम थोड़ा कम लगेगा 20 मिनट। तो सेकेंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमसे, वो कह रहा है 0 to 50 मिनट के बीच बताओ कि स्पीड एवरेज क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, क्लियर है। अब यहाँ देखो 50 मिनट, अगर पार्टिकल 50 मिनट की बात करें तो 50 मिनट में तो पार्टिकल बी से ए पर पहुंच जाएगा ना। देखो पहले 30 मिनट में ए से बी पर गया, अगला 20 मिनट में बी से ए पर आ गया, देख रहे हो बी से ए पर आ गया, यानी 50 मिनट में पार्टिकल जहां से चला था वहीं पहुंच गया, ठीक है ना। तो जहां से चला, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है ना, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नहीं आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या जाए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ, टोटल डिस्टेंस पहले यहाँ से यहाँ गया 2.5 किलोमीटर और फिर बी से ए पर पहुँच गया तो 2.5, यानी 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम टोटल कितना लगा भाई, तो यहाँ 1/3 आवर लगा, यहाँ 1/2 आवर, आवर में रख रहे हैं, तो 1/2 प्लस 1/3 आवर ये लग, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 5 अपॉन और ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 3 + 2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30/5 यानी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 6 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ आप, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है भाई। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, यहाँ पार्टिकल ए से चला था बी पर गया और फिर जो है
50 मिनट में ए पर ही आ गया। आफ्टर 50 मिनट पार्टिकल जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपॉन टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है ना, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया और फिर कहीं से भी मूव करके उसी पॉइंट पर आ गया जहां से स्टार्ट किया था, उस केस में डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाता है। तो पार्टिकल ए से स्टार्ट किया, ठीक है ना, और फिर 50 मिनट बाद ए पर ही पहुंच गया, तो उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो आएगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, है ना, थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में क्या कर रहा है देखते हैं, थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं ना, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, देखो बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है थर्ड वाला पार्ट, 0 to 40 मिनट, 0 to 40 मिनट के बीच की बात हो रही है ना, 0 to 40 मिनट, 0 to 40 मिनट ना भाई। चलो तो अब हमने क्या देखा था, हम उसी फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं जो फर्स्ट में था। ए टू बी गया था भाई, ए टू बी जाने में टाइम कितना लगा था, टी इजिकल टू लगा था 30 मिनट, बोलो ए टू बी जाने में। अब फिर क्या होगा, बी टू ए आने में 20 मिनट लगा, तो 40 मिनट ही हमको चलना है ना, इधर चलना होगा 10 मिनट, मतलब बी टू ए कहीं यहाँ पार्टिकल होगा, पार्टिकल कहीं यहाँ होगा, अगला 10 मिनट में पार्टिकल कहीं यहाँ होगा, फिर से बना देते हैं ना, अगला 10 मिनट में ए टू बी जाने में टाइम लगा भाई 30 मिनट, बहुत बढ़िया, ए टू बी जाने में बहुत अच्छा। अब बी टू ए आने में अगला 10 मिनट चलता है, यानी पार्टिकल कहीं यहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है 10 मिनट, है ना, 10 मिनट, यानी पार्टिकल कहीं यहाँ होगा, है ना। तो अब यहाँ पर हमको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस पता है 2.5 मीटर कवर किया, क्योंकि ए से बी जाएगा तो 2.5, और बी से सी पॉइंट तक जाने में, सी मान लें इसको, तो बी से सी जाने, मान लेते हैं 10 मिनट में सी पॉइंट पर पहुंचा है, तो बी से सी पर जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकाल लेते हैं ना। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, है ना, बी टू सी, तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी निकालें, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड आई इनटू टाइम, यही होता है ना। चलो स्पीड तो बी से सी, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जब बी से सी जाता है तो क्या स्पीड रहता है इसका, 7.5 किलोमीटर पर आवर, है ना, और बी से ए तक पहुंचने में टोटल 10-20 मिनट समय लगाता है, तो 10 मिनट का होगा कहीं बीच में होगा, बी और सी के बीच में, तो यानी यहाँ बी से सी, समझना, बी से सी तक आने में टोटल टाइम लगा 1/3 आवर, तो इसके हाफ डिस्टेंस पर आने में कितना लगेगा, 1/3/2, हाफ जो टाइम लगा बी से सी तक आने में, हम कहें कि दोनों के बीच में आने में कितना टाइम लगेगा, तो इस टाइम का हाफ लगेगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ स्पीड है 7.5 और टाइम जो हो जाएगा 1/3 का हाफ, हम किलोमीटर में ले रहे हैं सारा और इसको आवर में ले रहे हैं, तो 7.5 × 1/6, यानी 7.5/6 इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगा वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, है ना, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, समझना, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, पहले यहां से यहां गया ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, आप प्लस फिर बी से सी पर आएगा तो इतना किलोमीटर हमने निकाल लिया 7.5/6 किलोमीटर, है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो लगा यहां से यहां तक जो टाइम लगा 1/2 आवर, मतलब 30 मिनट, आ प्लस टाइम जो लगा 1/6 आवर, इतना लगा, है ना, ये टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा 1/6, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर, आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6 × 5 = 30, है ना, और ये 15 आ जाएगा, है ना, और प्लस 7.5 upon 6 × 1/2 + 1/6, इसको सॉल्व करना है सिंपली, है ना, तो आ जाएगा 22.5 अपॉन
ये कितना हो जाएगा, ये सिक्स होगा और थ्री प्लस टू आई इंटू सिक्स, सिक्स सिक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 22.5 अपॉन 5 है ना, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 है ना, 5 है ना, 4.5 किलोमीटर पर आवर यही आए, 4.5 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। और अब हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी हम इसको ऐसे लिख लें, ठीक है ना, एवरेज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, समझना, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें 40 मिनट में, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है 2.5, लेकिन ये कहीं इधर आ गया तो हमारा जो डिस्टेंस यहीं बचा ना, यहाँ से यहाँ तक का यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये डिस्टेंस तो हमको पता है, यानी टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हमको पता चल जाए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है ना। तो इनिशियल यही पॉइंट यहाँ से शुरू किया था, देखो इनिशियल यहाँ से शुरू किया था ना पार्टिकल, और फाइनल ये है, तो क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस यदि माइनस कर दें ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितना आया था भाई, हमने निकाला था ये डिस्टेंस आया था 7.5/6, ये डिस्टेंस आया और टोटल है 2.5, ठीक है ना। तो 2.5 - 7.5/6 और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल टाइम तो ये सेम रहेगा जो टाइम यहाँ आया है हमारे पास, है ना, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम लोग यदि टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम कितना आ गया, तो 3 1/2 है ना, 1/2 प्लस 1/6 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 - 7.5 डिवाइडेड बाई 6 इनटू 1/2 प्लस 1/6 है ना। तो हमारे पास यही आ जाएगा 15 यानी 7.5 है ना, 7.5 माइनस करेंगे तो, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 5, तो सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो 1.5 करीब आएगा, ठीक है ना, सॉल्व कर लेना जो भी है 1.5 है ना, 1.5 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगा। तो मेन हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ गए क्या चीज़ें हैं, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे थे। इसमें बहुत सिंपल था, हमने एक बार फिर इसको थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं, बहुत सिंपल था, करा कि पार्टिकल है ए से बी तक जाता है 5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड रहता है और बैक आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर से, तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आप बताओ 0 to 30 मिनट के बीच, 0 to 50 मिनट और 0 to 40 मिनट, ठीक है ना। तो हमें करना क्या होता है कि पहले पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस हमको दिया हुआ टाइम निकाल लिए ए से बी तक जाने में 30 मिनट, तो 0 to 30 मिनट के बीच हमसे पूछ रहा था कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 0 to 30 मिनट के बीच जो डिस्टेंस है वह 2.5 और टाइम हमको पता है, ये जो है डिस्टेंस हमने यहाँ टाइम निकाल लिया है हाफ आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर। और ये इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, इस केस में एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगा जो एवरेज स्पीड आया। अब 0 to 50 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि 7.5 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न आता है, तो जैसे ही रिटर्न आया तो हम देख लेंगे बी टू ए आने में कितना समय लगा, 20 मिनट, यानी 30 मिनट ए और प्लस 20 मिनट, यानी 50 मिनट में पार्टिकल ए से बी पर गया होगा फिर बी से ए पर आ गया होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा ए से बी गया होगा 2.5 और बी से ए गया होगा फिर 2.5, टाइम जो टेक किया ए से बी जाने में 1/2 आवर और बी से ए जाने में 1/3 आवर जो यहाँ कैलकुलेट किए हैं, सॉल्व किए तो 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। एवरेज वेलोसिटी की बात करें इसमें, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और पार्टिकल फिर ए पर ही पहुंच गया, ए से चला था तो फिर ए पर ही पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग बात किए हैं कि भाई चलो अगर 0 to 40 मिनट के बीच आप बता लो, तो 0 to 40 मिनट के बीच क्या हो रहा होगा, पार्टिकल बी से सी पर पहुंच गया होगा,
तो बी से सी के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा एवरेज स्पीड के लिए। तो यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम का यूज करेंगे, और बी से सी के लिए स्पीड होता है 7.5, और बी से सी के लिए जो टाइम है वह क्या हो जाएगा, जो हम टाइम निकाले थे उसका हाफ, 1/3 निकाले थे उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट की बात हो रही है। तो 10 मिनट हाफ क्यों होगा, यहाँ देखो बता दे रहे हैं, क्योंकि टोटल टाइम बी टू ए आने में 20 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट में कहीं बीच में होगा, यानी टाइम जो लगा होगा इसका हाफ लगा होगा, है ना, सी पर आने में हाफ टाइम लगा होगा। तो हमने वहीं बाई 1/3/2 कर लिया, सॉल्व किए तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी तक का 2.5, प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस, और डिवाइड बाई टोटल टाइम किए तो 4.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो पहले इसका इनिशियल यहाँ रहता है और फिर ए से बी पर गया, बी से फिर सी पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी टोटल में से जो डिस्टेंस माइनस कर देंगे, टोटल 2.5 है और डिस्टेंस 7.5/6 माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई टोटल टाइम रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है फिर से एक बार वीडियो देखो, चीज़ें पूरी तरह समझ में आ जाएगी। बाय द वे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।